हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के शुरू में डॉक्टर हैरिसन को भागते हुए दिखाया जाता है। कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे होते, वो किसी भी हालत में उसके हाथ नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो वहां की पहाड़ी से कूद जाता है। हैरी के घर में उसका एक बेटा और उसकी बीवी उसका इंतजार करते हैं। आगे हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया गया है। एडम अब बड़ा हो चुका था। उस स्कूल में एक टोनी नाम का लड़का हमेशा परेशान करता था। वो चिंगम खाकर एडम के बालों में चिपका देता है, जिसकी वजह से उसका टीचर उसे क्लास से निकाल देता है। एडम बाथरूम में जाकर अपने बालों को साफ कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पैर अचानक से बड़े हो गए हैं और जूतों से बाहर आ गए हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो वहाँ टॉयलेट पेपर से अपने पैरों को कवर कर लेता है कि कोई उसे ऐसे ना देख सके। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सुनने की सलाहियत भी बढ़ गई है। टोनी अभी भी एडम को अपने दोस्तों के साथ तंग करने की कोशिश कर रहा है। वो बास्केटबॉल को एडम के नाक पर दे मारता है और उसके बैग को भी छीन कर फेंक देता है। एडम की माँ सेली उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है। एडम उससे कहता है कि ये खुद उसको खेलते वक्त लगी थी और उसकी मॉम को सब समझ में आ जाता है कि ये सब खेलने की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बालों में लगी च्युइंगम सब कुछ सच सच बता रहे थे। सेली उसके बालों को कट करके छोटा कर देती है ताकि कोई उसे परेशान ना करे। और अगली सुबह जब एडम उठता है तो वो देखता है कि उसके बाल फिर पहले जैसे ही बड़े हो गए हैं। वो जल्दी से काटने लगता है कि उसकी मॉम को ये सब ना दिख सके, पर अब भी वो काफ़ी नहीं था। जल्दी से वो एक केक पहन लेता है ताकि उसकी मॉम उसके बालों को ना देख सके। वो कैप उसके फादर हैरिसन की थी, जिसे देखकर सिली थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो अपनी कैप उतार कर अपनी मॉम को दे देता है। उसकी मॉम कहती है कि ये कैप तुम पर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसे तुम ही पहनोगे। तभी हम हेयर को नाम की एक कंपनी देखते हैं, जिसका CEO अपने इन्वेस्टर को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो अलग अलग जानवरों के DNA इंसानों के DNA से मैच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और बताते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाए तो इंसान को कभी भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट की ट्राई एक अपने ही आदमी पर करते हैं। वो हेयर ग्रोथ को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ के CEO, जिसका नाम ईस्टर मैन है, अपने इन्वेस्टर को यकीन दिलाता है कि वो अपने इस फार्मूले को जल्द ही ठीक करेंगे, और अगर ये एक बार कामयाब हो गया तो वो सोच भी नहीं सकते कि इसकी कंपनी कितनी प्रॉफिट बनाएगी और लोग इसके मुंह मांगे दाम देने को तैयार होंगे। इधर हम देखते हैं कि टोनी और उसके दोस्तों को एडम को तंग करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है, पर स्कूल के प्रिंसिपल एडम को भी वार्न करते हैं कि वो उन सब से दूर ही रहे। एडम जब वापस घर जाता है तो टोनी और उसके दोस्त फिर से एडम को परेशान करते हैं, मगर एडम कैसे भी करके अपने आप को बचाकर वहां से भागने लगता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देते हैं और टोनी उसके घर का कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है। एडम को अपने घर में एक छुपा हुआ एक बॉक्स मिलता है, जिसमें बहुत से लेटर्स रखे हुए हैं जो कि उसके डैड ने लिखे थे, और उस पर एड्रेस भी मिलता है। जब उसकी मॉम घर आती है तो एडम उनसे इन लेटर्स के बारे में पूछता है और बोलता है कि उससे झूठ क्यों बोला गया, कि उसके डैड मर चुके हैं जबकि उसके डैड तो जिंदा होते हैं। एडम अपनी मॉम पर गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है और उस एड्रेस को देखता है और बगैर अपनी माँ को बताए उस एड्रेस पर निकल जाता है, और वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेता है जो उसे जल्द ही उस एड्रेस तक पहुँचा देता है। वो जगह जंगल के बीचों बीच थी। वो जंगल के अंदर चला जाता है और आवाज़ देने लगता है कि शायद के डैड वहां मिल जाए। कुछ देर बाद वहां हलचल महसूस होती है और डर कर मारे वो वहां से भाग जाता है, और भागते भागते उसका पैर फंस जाता है और वही रोड के पास जा गिरता है। तभी एक बिग फुट आके उसे बचा लेता है। ट्रक के डिस्क कैम में ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर पुलिस को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है कि उसने एक रियल बिग फुट को देखा है और उसका वीडियो भी उसके पास है। ये खबर न्यूज़ में भी आ जाती है, और जैसे ही ईस्टर्न मैन वो फोटो देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बिगफुट और कोई नहीं बल्कि हैरिसन ही है, और उसे कई सालों से मरा हुआ समझ रहे थे। ईस्टर्न मैन और उसकी कंपनी कब से उस बिगफुट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके DNA से वो हेयर ग्रोथ का फार्मूला बहुत आसानी से बना सकते थे। वो उस आदमी तक पहुँचते जिसने ये फोटो खींची थी। वो आदमी उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहाँ उसने बिगफुट को देखा था, और दूसरी तरफ उसके आदमी उनके घर पहुँचते हैं और वहाँ कर तलाशी लेने लगते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर हैरिसन का लेटर मिलता है। एडम की मॉम को जब पता लगता है कि एडम घर पर नहीं है तो वो एडम को ढूंढने के लिए हैरिसन के पास जाने लगती है। यहां एडम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बिगफुट है। वो डर के मारे भागने लगता है, फिर वहां बिगफुट उसे पकड़ कर वापस ले आता है। वो उनको बताता है कि वो उसका डैड हैरिसन है। वो देखता है कि वहां पर उसकी और उसकी मॉम की फोटो भी लगी हुई है, लेकिन
एडम को अभी भी यकीन नहीं होता कि उसके डैड एक बिगफुट है। हैरिसन उसको बताते हैं कि उसे यहाँ पर चुप कर रहना पड़ रहा है। यहाँ जब एडम की मॉम सिली पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ स्टंटमैन के आदमी पहले से ही मौजूद थे। वो सिली को पकड़ लेते हैं। वहाँ हैरी एडम से उसके बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम्हारे भी बैक और हाथ पर बहुत सारे बाल निकलते हैं, क्योंकि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी अपने हाथ और बैक को शेव करना पड़ता था। एडम उसे कहता है कि मेरे हाथ और बैक के नहीं बल्कि सर के बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। उसके पैर कभी कभी अचानक से बड़े हो जाते हैं और हैरिसन एडम को बताता है कि ट्रैप में फंसने की वजह से उसका पैर घायल हो गया था, लेकिन उसने उसे हिल कर दिया था क्योंकि बिगफुट के पास हिल करने की ताकत होती है। एडम ये जानकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अब यकीन हो गया था कि यही उसका डैड है। हैरिसन एडम को पूरी जंगल की सैर कराता है। तभी एडम के पैर पैर से बढ़ जाते हैं और उसे बहुत से आवाजें सुनाई देने लगती है। हैरिसन उसे गहरी सांस लेने को कहता है और उसे आवाज पर फोकस करने को कहता है। एडम बहुत दूर की साउंड को बहुत क्लियरली सुन पा रहा था। हैरिसन उसको बड़े पैरों का कमाल भी बताता है जिसकी मदद से वह बहुत तेजी से दौड़ सकता है। हैरिसन को अपने जंगल के कुछ दोस्तों से मिलाता है जिसमें से उसके बहुत सारे एनिमल्स दोस्त थे और एक बहुत बड़ा सा बियर भी शामिल था। वहाँ हैरिसन एडम को उन जानवरों से बात करना भी सिखाता है। तभी हैरिसन के पास एक गुलहरी भागती हुई आती है और उसे बताती है कि जंगल में कुछ हंटर्स शिकार करने आए हैं। वो सभी उस हंटर्स के पास पहुँचते हैं और सब मिलकर उसे डरा कर वहाँ से भगा देते हैं। एडम ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने डैड से घर आने के लिए बोलता है। हैरिसन बोलता है कि वो चाह कर भी वहाँ नहीं आ सकता। एडम कहता है कि वो किसी को भी पता नहीं चलने देगा। हैरिसन बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं है और उस तक किसी भी तरह वो लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि उसने ये सब देखा हुआ है। जब हैरिसन अपने मेडिकल स्कूल में था तो वो अपने हेयर ग्रोथ पर रिसर्च कर रहा होता है क्योंकि उसकी हेयर की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही थी। दिन ब दिन वो एक बिगफुट बनता जा रहा था। तब हेयर को की कंपनी ने उसके एक्सपेरिमेंट पर गौर किया और उसे अपने लिए काम करने की ऑफर की। उसने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसके सारे रिसर्च को चोरी कर लिया और उसकी वाइफ को जान से मारने की धमकी देने लगी। इसलिए उन्हें उसकी सेफ्टी के लिए छोड़कर आना पड़ा और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो वो मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ दो रेकून्स को जंगल के बाहर हियर को कंपनी के आदमी दिखाई देते हैं जिन्होंने सिली को पकड़ा हुआ था। ईस्टरमैन इसे अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें किसी भी तरह बिगफुट को पकड़ कर लाना ही होगा, इसलिए चाहे पूरी जंगल को आग ही क्यों ना लगानी पड़े। वहाँ रेकून्स जाकर जल्दी से हैरिसन को बता देते हैं। एडम बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो अपने आप को जाकर उनके हवाले कर देता है। वो एडम को भी उसके मॉम के पास ले जाते हैं। कुछ देर बाद ईस्टरमैन एडम को अपने साथ ले जाता है। ईस्टरमैन एडम से पूछता है कि उसके फादर कहाँ हैं, पर एडम कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। ईस्टरमैन अपने आदमियों से जंगल में आग लगाने को कहते हैं और एडम को कार में बंद करके उस आग में धकेल देते हैं। कार में आग लग जाती है और एडम मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी बिगफुट आकर एडम को बचा लेता है और वही ईस्टरमैन उसे इंजेक्शन से शूट करके उसे बेहोश कर देता है क्योंकि यही उनका प्लान था। वो लोग हैरिसन को लेकर वहां से चले जाते हैं। एडम सब एनिमल्स के साथ मिलकर डैड को चढ़ाने का प्लान बनाता है। हैरिसन को हेयर को कंपनी के लैब में रखा होता है जहां उसका साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। हैरिसन कहता है कि वो किसी भी हालत में उसके लिए काम नहीं करेगा। ईस्टमैन उसको उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और उसका साइंटिस्ट हैरिसन की मदद से पहला एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहता है। पर उसका साइंटिस्ट कहता है कि उसके डीएनए में अभी भी कुछ काम करना बाकी है। उसके होते ही उसका फार्मूला मार्केट के लिए रेडी हो जाएगा। ईस्टरमैन उससे काम को तेजी से करने का बोल कर चला जाता है। इधर एडम जानवरों के साथ मिलकर हेयर को कंपनी में पहुंच चुका था। वो वहां के सारे गार्ड्स और कैमरों से चुप कर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। वहां से पता करते कि उसके डैड कहां पर बंद है। वहां के लॉकर से एक फायर गन मिलती है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है और वो सब हैरिसन के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। बियर और बाकी सब जानवर गार्ड से एडम का पीछा छुड़वा रहे थे, पर बहुत जल्द वो सभी जानवर एक एक करके पकड़े जाते हैं और एडम उससे बचता हुआ हैरिसन के पास पहुंच जाता है और उसे चलने को कहते हैं। लेकिन हैरिसन कहता है कि वो उसके साथ नहीं चल सकता क्योंकि उसके जाते ही वो और उसकी मॉम खतरे में पड़ सकते हैं। ईस्टरमैन भी वहां पर आ जाता है और उसके आदमी एडम को वहां से ले जाते हैं, पर एडम इतनी जल्द हार मानने वालों में से नहीं था। वो वहां का फायर अलार्म बजाकर वहां से भाग जाता है जिसकी वजह से पूरी कंपनी में
में भाग दौड़ बच जाती है। ईस्टरमैन के गार्ड उसे उठाकर भागने लग जाते हैं। एडम जाके सभी जानवरों को छुड़ाता है और हेनरी के पास पहुंच जाता है और वो उससे बोलता है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगा तो वो उनको बता देगा कि वो भी एक बिग फुट है और उनके एक्सपेरिमेंट में वो ज्यादा यूजफुल होगा। हैरिसन को वहां से जाने के लिए मानना पड़ा। हैरिसन वहां से निकलने से पहले उस पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि वो लोग फिर कभी इस एक्सपेरिमेंट को ना कर पाए। वो दोनों वहां के गैस टैंक को तोड़कर वहां से बाहर निकल आते हैं। ईस्टरमैन अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लेता है और वो लोग उसकी वाइफ को भी पकड़कर वहां से ले जाते हैं। वो हैरिसन को शूट कर देते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि उसका बेटा भी एक बिग फुट है और उन्हें अब उसकी कोई जरूरत नहीं। वो उसे वहां से नीचे फेंक देता है। तभी एडम अपनी जेब से फायर गन निकालता है और वो हेयरको की तरफ फायर कर देता है जिसकी वजह से पूरी कंपनी में आग लग जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी हेयर को कंपनी बर्बाद हो जाती है। एडम भागता हुआ अपने डैड के पास पहुंचता है और अपने हीलिंग पावर से उन्हें हील करने की कोशिश करता है और उसकी हीलिंग पावर की वजह से उन्हें होश आ जाता है। वो एडम को अपने गले से लगा लेता है और तभी ईस्टरमैन फिर से अपनी गन लेकर आ जाता है, पर इस बार सिली उसे शूट करके बेहोश कर देती है। वहां उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ईस्टरमैन एक गंजा आदमी था इसलिए वो बालों को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था। ईस्टरमैन को जेल हो जाती है और हैरिसन अपने जानवरों के साथ ही एडम के साथ रहता है। एडम बेयर की मदद से टोनी और उसके दोस्तों को भी भगा देता है और इसी के साथ हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।